मैं कह रहा हूँ इसको मैं तोड़ूं किस तरफ से और फोड़ूं किस तरफ से। इन्होंने दुबई में जो अन्नी डाली है वो डाली है अपने जाइंट बर्गर्स के लिए। इतने बड़े बड़े, इतने मेसी, इतने चीजी बर्गर्स हैं यहाँ पे। ये टॉप 3 बर्गर्स इन दुबई। ये जो फैट बॉय, इसमें 200 ग्राम प्योर एंगस बीफ पैटी है। ये है वैग्यू बीफ बर्गर, कोलेस्ट्रॉल किलर बर्गर। हेलो, आई वॉन्ट दिस। यस, अस्सलामुअलैकुम खवातीन हज़रात, शुपैक टीवी की तरफ से आपका मैं जुमारे जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। भाई से मैं दुबई में, और आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे टॉप 3 बर्गर्स इन दुबई, जिनमें हम 3 डिफरेंट बर्गर्स खाएंगे और एंड में देखेंगे कि कौन सा बर्गर विनर है, प्राइस वाइज, क्वान्टिटी वाइज, टेस्ट वाइज, और हर तरह से उसका मुआयना किया जाएगा। नंबर 1 पे कौन आएगा, नंबर 2 पे कौन आएगा, नंबर 3 पे कौन आएगा, ये इस वीडियो के एंड में हम आज किसी एक बर्गर को विनर बनाएंगे। तो इस वीडियो का पहला बर्गर ट्राई करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा बुर्ज खलीफा। ये है भाई बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने दुबई मॉल। दुबई मॉल में हम लोग ट्राई करेंगे आज द ग्रिल शैक। ये मैं इसको विनर ऑफ द वीडियो नहीं कह रहा, ना ही मैं इसको कह रहा हूँ कि टॉप बर्गर। पहला हम ये ट्राई करेंगे। सबसे पहले दुबई मॉल के अंदर जाना है, आपने जरा चस्के नज़ारे लेते हुए पहुंचना है दुबई मॉल के फूड कोर्ट में, वहां पे आपको नजर आएगा द ग्रिल शैक। दुबई मॉल के फूड कोर्ट में आने के बाद आपको ढूंढना है यहाँ पे द ग्रिल शैक, और ग्रिल शैक पे आज जो अन्नी पैन वाली है। ओहो, हाय सर, हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड, इट्स फॉर इज गुड। व्हिच वन इज योर बेस्ट बर्गर? द बेस्ट बर्गर, वी हैव टोटली 5 काइंड्स ऑफ द बर्गर्स, सो आई कैन शो यू हियर। द बेस्ट वन इज डबल चीज एंड वाग्यू बर्गर, प्रीमियम क्लास ऑफ बीफ हियर, बेस्ट वन सर। व्हिच वन शुड आई ट्राई? सो आई कैन रेकमेंड यू वाग्यू बर्गर और डबल चीज इज द बेस्ट वन। इफ यू आर वेरी हंग्री, दिस वन इज द मोस्ट यू नो गुड वन, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ पीपल प्रेफर दिस। Okay, but perfect. Single party, but this one is double party. It's very nice. My name is Manu Chehre. मनु चेहर हमारे साथ इस टाइम, क्योंकि इन्होंने हमें टेबल देना है उस साइड पे जहाँ पे व्यू है, तो वो अपनी पोजीशन छोड़ के हमारे साथ आए हुए कि यहाँ पे हमें जरा बिठा दें एक दफ़ा, तो फिर ये जाएंगे। थैंक यू सो मच। माय फ्रेंड एलेक्स विल सर्व फॉर यू, ही इज फ्रॉम केन्या, सो दिस इज आवर यू नो कैप्टन हियर एलेक्स, हियर लाइक 15 इयर्स, टिपिकल अफ्रीकन, फॉर केन्या, फॉर केन्या। सो एलेक्स, या व्हिच बर्गर शुड आई ट्राई? Burger, Wagyu burger. Wagyu burger. The best in one, the best in town. Yeah, number one. Almost every day, yummy. You get all the food. All the water, yeah, yummy. Okay, then I will go with the fat one. But make it very, very juicy. Medium well. Chokers. Say chokers. Chokers. Okay. Thank you. अच्छा भाई, द ग्रिल शैक, ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बर्गर्स जो आज तक मैंने ट्राई किए हैं, उस लिस्ट में ये काफ़ी टॉप पे आता है। और ये लास्ट ईयर मैं आया था अम्मी अबू के साथ दुबई, तब हमने ये ट्राई किया था, और इसने कोई मतलब कोई दिल में घर किया था ऐसा। ओके जी, तो किचन रेड इज मस्ट। हाय, रिब्स, स्टेक, लैम, स्टेक, ओके। तो मेरे सामने यहाँ पे भी बर्गर, स्टेक्स, हर चीज़ रेडी हो रही है, और मैंने ऑर्डर किया है फैट बॉय, जो कि यहाँ पे बनेगा। और क्या खूबसूरत निज़ाम में खुशबुएं उड़ रही हैं मीट की, ओए होए होए, साथ में ग्रिल, अन्य वह प्रोग्राम चल रहे थे। कुआलालंपुर, ओके, शेफ इज फ्रॉम कुआलालंपुर। ये चाचा सेट ना रही, क्लैपिंग फॉर एलेक्स। एलेक्स, आई एम हंग्री। मेरा बर्गर भी आ चुका है। तो कोई बात नहीं, और मैंने लिया है जी फैट बॉय, और ये सच में फैट बॉय है। ओए होए होए, इसका साइज चेक करो यार बर्गर का, मैं इसको जरा तोड़ने फोड़ने लगाऊं। ओए होए होए होए, ये जो फैट बॉय है इसमें 200 ग्राम प्योर एंगस बीफ पैटी है, साथ में जैक चेडर चीज है, हैलपिनोज, कैरमलाइज्ड अनियंस, क्रिस्पी बीफ, बेकन, अनियन रिंग्स, और बर्गर की जो शाइन है, ओए होए होए, मैं कहता हूँ इसकी मैं जरा एक बाइट ले लूँ इससे पहले कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जैक चेडर चीज, और हाँ 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 हाँ, आ जा। ओए यार, ये कोई बर्गर है। जूसेस गिर रहे हैं हाथों से।
इस बर्गर का मजा इसको तोड़ फोड़ के खाने का। यार इतना परफेक्ट एंगस बीफ है और मैंने टेम्परेचर पैटी का रखवाया हुआ है मीडियम, और मीडियम की वजह से वो जो आपको एक इतनी टेंडर और एक गुई फील देता है, और साथ में जो क्रिस्पी बीफ बेकन हेलिपिनोज और जो जैक चेडर चीज़ है इसका हल्का सा स्ट्रॉन्ग एक आपको टच आता है एकदम से, और बीच में जो क्रिस्पी अनियन रिंग है वो आपको हल्का सा एक स्वीट सा टेक्सचर फील करवाता है अनियन के साथ, और एक क्रिस्पी सी फील आती है हल्की सी आपको। आप सिर्फ मीडियम टेम्परेचर बीफ चेक करो, अंदर से हल्की सी पिंक फील दे रहे, और इस तरफ से अगर हम देखें तो ऊपर से आपको एक क्रिस्पी सी इसका टेक्सचर नज़र आ रहा होगा शाइन के साथ। अच्छा भाई, इस बर्गर की प्राइस है 78 दिरहम्स और सिंगल पैटी है, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए इनफ है, मतलब बहुत अच्छा ह्यूज एक बर्गर है। ये नहीं कि डबल ट्रिपल पैटी करके, नहीं नहीं, एक अच्छी मोटी ज़रा पैटी 200 ग्राम्स की पैटी है, साथ में बीफ बेकन अनियन सॉस चीज़, तो वो एक ह्यूज सा एक बर्गर बन जाता है जो मेरे जैसे बंदे के लिए अच्छा खासा है। अनियन रिंग्स भी है। अनियन रिंग्स भी। जरा वीडियो के एंड में देखते हैं कि आज का विनर कौन होता है। सेकंड बर्गर हम लोग आ चुके हैं एटलांटिस, और एटलांटिस में खाने वाले हैं हम अपनी टॉप 3 बर्गर्स इन दुबई की लिस्ट का सेकंड बर्गर। और इस बर्गर की खास बात यह है कि बर्गर के साथ साथ आप एटलांटिस की सैर भी कर सकते हो। अच्छा भाई, एटलांटिस के अंदर आने के बाद आप थोड़े से जरा नज़ारे लेते हो एटलांटिस के अंदर, काफ़ी सारी आपको बुटीक्स मिलती हैं, खाने पीने की जगह मिलती हैं, और उसके अलावा सीधा आते आते एटलांटिस में घूमने फिरने की जगह एक पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है, जितनी है उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हो, रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ बुटीक्स हैं, और फिर आप सीधा आते हो द बर्गर जॉइंट पे। ये इस टाइम आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बर्गर जॉइंट, जहाँ पे हम खाने वाले हैं अपना सेकंड बर्गर। अच्छा भाई, तो मैंने अभी इनसे पूछा है कि मैंने लास्ट ईयर एक बर्गर ट्राई किया था, उसकी पिक्चर मैंने दिखाई है, वो कहते हैं वो ओल्ड मेन्यू था, ख़त्म हो चुका है, अभी इनका फिर बेस्ट जो है वो हम ट्राई करेंगे। तो कैन गेट द ट्रफल ब्रंच विदाउट फ्राइड एग। तो ये है जी ओपन किचन, यहाँ पे बर्गर्स रेडी हो रहे हैं, यहाँ पे जो है वो ग्रिल है, उसके अलावा फ्राइज, कर्ली फ्राइज, और सिंपल बिल्कुल आपके सामने हर चीज़ बनती है यहाँ पे। अच्छा, जब आप ऑर्डर करते हो आपके बिल्कुल सामने लाइव किचन है, उसमें ग्रिल पे आपके सामने वैग्यू बीफ या जो भी आपने चूज़ किया है वो बनता है, उसके अलावा साथ में बर्गर्स रेडी होते हैं, सिंपल तरीका जो होता है उसी तरह से, और चीज़ को ये पैटी के ऊपर वहीं पे मेल्ट कर देते हैं ताकि उसकी एक फील रहे। और हमारे सामने आ चुका है हमारा बर्गर और साथ में कर्ली फ्राइज। ओए होए होए, ये ज़रा आप चेक करें कि ये वैग्यू बीफ बर्गर, और इसके अंदर वैग्यू बीफ 200 ग्राम्स पैटी है, साथ में बीफ बेकन है, चेडर चीज़ है, हेलिपिनोज हैं, ट्रफल सॉस है, अनियन चिप्स है, क्रिस्पी चिप्स, और अभी मेरा ख्याल है मैं खाना शुरू करूँ। यार वैग्यू बीफ की मार्बलिंग स्टिल नज़र आ रही है, बट ये बर्गर है एक्सपेंसिव। अभी मैं बताता हूँ आपको इसकी पूरी प्राइस, ज़रा मैं एक बाइट ले लूँ, और मेरे हाथों पे अभी से जूस आना शुरू हो चुका है, ये चेक करो। बहुत स्ट्रांग है। ओए होए होए यार, ऐसे कोई ड्रॉप्स गिर रहे हैं। मैंने दो बाइट्स लिए बर्गर की और इतना एक स्ट्रांग उसका टेस्ट आया है। एक तो वैग्यू बीफ, उसकी एक अलग से जो है ना आपको एक टेक्सचर फील होता है, साथ में बीफ की एक हल्की सी आपको स्ट्रांग सी एक खुशबू आती है, और उसके अलावा ये दुनिया का एक महंगा बीफ है, उसके अलावा साथ में इसके वो जो क्रिस्पी अनियंस आ रहे हैं, साथ में हेलिपिनोज, चेडर चीज़ और ट्रफल सॉस जो है, आई थिंक जो एक स्ट्रॉन्ग मुझे सावर सी फील आई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वो ट्रफल सॉस की वजह से है। और बीफ बेकन वो उसके ऊपर उन्होंने तवे पे रखा बेकन को, और काफ़ी देर वो क्रिस्पी होता रहा, और साथ में कर्ली फ्राइज जो कि अच्छे खासे कर्ली फ्राइज हैं। बीफ टेम्परेचर इज़ मीडियम, जिसकी वजह से आपको ऊपर से हल्का सा क्रिस्प आता है, और बीच में से एक बहुत ही टेंडर गुई सा मीट आपको फील होता है, क्योंकि वैग्यू बीफ की असल गेम है मार्बलिंग, रेशियो ऑफ फैट और मीट, वो जो बीच में से ऐसे लेयर्स जारी होती है ना फैट की मीट की, वो फिर जब मेल्ट होता है उस पैटी के अंदर, तो वो मेल्ट होने के बाद उसका एक्चुअल टेस्ट बनता है फैट प्लस मीट का। 200 ग्राम बीफ पैटी, साथ में बेकन, और वो पूरा एक बर्गर जो है वो अच्छा खासा हैवी बर्गर है।
मतलब मैंने आधा खाया और मुझे फील हो रहा है कि मैं फुल हो रहा हूँ। अच्छा जी, तो महा ने आधे का आधा खा के मुझे वापस कर दिया क्योंकि मैंने जिस तरह पहली बाइट लेते ही कहा कि अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग फील आती है आपको खाते में, उसकी खुशबू और वो अब वैग्यू की भी एक अपनी खुशबू होती है और बेकन की जो हमने पहले खाया था उसके अंदर से 1% भी स्मेल नहीं थी। इसमें भी स्मेल मैं नहीं इसे कह रहा, अगर बीफ लवर्स हो तो ये बीफ लवर्स को पसंद आएगी, बट हाँ स्ट्रॉन्ग एक एरोमा आपको आता है इसका, फैट मीट बेकन चेडर चीज़, और चेडर चीज़ भी कोई नेक्स्ट लेवल नस्ली है क्योंकि उसका अपना टेस्ट हुआ था। अच्छा भाई, तो अब ज़रा मज़े की बात कि प्राइस क्या है, ये जो पूरा मील है इसकी प्राइस बनी है 155 दिरहम, 90 दिरहम्स का बर्गर है और 35 दिरहम्स की ये बकेट है कर्ली फ्राइज की और 25 दिरहम्स की ड्रिंक, कोई भी ड्रिंक आप ले सकते हो। 155 दिरहम का एक बंदे का मील है जो कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव, इसे मैं कह सकता हूँ या नहीं, मतलब अगर तो वैग्यू के हिसाब से देखूं फिर तो ठीक है यार, आप वैग्यू बीफ आपको मिल रहा है और वो बर्गर है, बर्गर है भी नेक्स्ट लेवल, तो मेरे लिए एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव है ये, बट मेरे लिए मज़े की चीज़ है कि मुझे वैग्यू बीफ बर्गर मिल रहा है। बट हाँ फिर अगर मैं सोचूँ 155 दिरहम तो अच्छे खासे पैसे हैं, वो 2-3 मील जा सकते हैं। हाँ, मतलब आप किसी रेगुलर बर्गर जॉइंट पर जाओ तो 155 के अंदर, यहाँ पर नॉर्मली अगर किसी भी और बर्गर की बात करें जो सिंपली हम खाते हैं वो है 40 दिरहम्स का मील, 40-42 दिरहम्स का, तो इतने पैसों में तकरीबन 3-4 मील्स आ सकते हैं। बट अगर आपने वैग्यू के मज़े लेने हैं, एक ज़रा प्रीमियम एक्सट्रीम प्रीमियम से चौकस बर्गर खाना है तो 155 दिरहम। जब आप 155 दिरहम्स पे कर रहे हो तो साथ में आपको ज़रा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिलती हैं। इसके अंदर हैं जी सैनिटाइजिंग हैंड वाइप्स एटलांटिस प्रोजेक्ट, इसके अंदर क्या चीज़ है, आई थिंक स्पून, और वो हमने यूज़ ही नहीं किया। हाँ, इसमें भी एक टिश्यू है और साथ में फोक, साथ में स्पून और साथ में नाइफ। मैं तो कहना कर ले चलिए। इस लिस्ट के अपने थर्ड बर्गर के लिए हम लोग आ चुके हैं जी बॉस मैन्स बर्गर फैक्ट्री, मेरे पीछे आपको नजर आ रहा है और इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, द ग्लोबल चीट डे हेडक्वार्टर्स, क्योंकि यहाँ पे जो बर्गर हम खाने वाले हैं ओए होए हो, देख के आपने हैरान हो जाना कि ये चीज है क्या। उसके अलावा जब आप अंदर एंटर होते हो तो आपको एक अलग फंकी कियोटिक सी वाइब आती है, हर तरफ आपको दीवारों पे बर्गर्स और स्पेस और पता नहीं क्या क्या चीजें नजर आ रही होती हैं, मतलब कि बहुत ही फंकी सा एक एम्बियंस क्रिएट किया हुआ है इन्होंने अंदर, जब आपको जाते ही लगता है कि अच्छा मैं किसी अलग सी जगह पे एंटर हुआ हूँ। इन्होंने दुबई में जो अन्नी डाली है वो डाली है अपने जाइंट बर्गर्स के लिए, इतने बड़े बड़े इतने मेसी इतने चीजी बर्गर्स हैं यहाँ पे। अभी जरा देखते हैं कि हम कौन सा ऑर्डर करते हैं। वाओ, व्हिच वन इज इट, कोलेस्ट्रॉल किलर बर्गर, इज इट चिकन ऑन टॉप, होए चिकन बर्गर सॉस। अंदर एंटर होते ही आपको लगता है आप बर्गर्स की एक यूनिवर्स के अंदर आ गए हो, जहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, यू आर द यूनिवर्स, उसके अलावा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉस मैन किंग ऑफ बर्गर्स, फिर क्या लिखा हुआ है, द ग्लोबल चीट डे हेडक्वार्टर्स, फिर क्या लिखा हुआ है, डोंट काउंट कैलोरीज मेक कैलोरीज काउंट। क्या खूबसूरत वाइब है यार इस जगह की। आ चुका हूँ मैं द ग्लोबल चीट डे हेडक्वार्टर्स के अंदर और जगह का नाम बॉस मैन्स। बॉस मैन्स का मेन्यू हम देखेंगे सबसे पहले कि असल में इनकी गेम क्या है। ये दुबई में वायरल हुए थे अपने जॉइंट बर्गर की वजह से, जो कि एक 10 kg का बर्गर है और एक 5 kg का है। अच्छा भाई, तो बॉस मैन्स के अंदर आते ही आपको मेन्यू देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो जॉइंट बर्गर है, और ये है इनके वो बर्गर 10 kg, ये 8 kg है, ये 10 kg है। अब 10 kg वाला बर्गर इस तरह का दिखता है और इसके ऊपर ये एक रेगुलर बर्गर है जो इसके ऊपर इतना सा नजर आ रहा है और इसकी प्राइस है जी 1050 दिरहम्स। 1050 दिरहम बनते हैं तकरीबन 80,500 पाकिस्तानी रुपए। अब 80,000 वाला मैं इसलिए ऑर्डर नहीं कर रहा क्योंकि ये तब के लिए कि अगर बंदा दोस्तों के साथ हो, बड़ी कंपनी हो, क्योंकि इतना बड़ा बर्गर है फिर ज्यादा लोग बैठे होंगे, उसको खाने वाले भी होंगे, ज्यादा मजा आएगा। इसमें हम दो लोग हैं, इतना इतना खा लेंगे बाकी सारा बच जाएगा, तो इसलिए अभी वो भी मकसद नहीं है उसको ऑर्डर करने का। लेकिन फिर भी मैं इनका एक और जॉइंट बर्गर है जो ऑर्डर करने वाला हूँ, मैं इनका ऑर्डर करने वाला हूँ भी बॉस मैन्स खलीफा बर्गर। ये भी इतना जाइंट बर्गर है और इसका देख लेते हैं कि साइज क्या मेंशन हुआ है। अभी वैसे ये 201 दिरहम्स का है बट 27% डिस्काउंट चल रहा है, जिसके बाद 146 दिरहम्स इसकी प्राइस है। इसमें ऊपर एक बर्गर है, फिर दरमियान में बर्गर है, फिर नीचे एक जाइंट बर्गर है। ओके, तो जब आपने डिसाइड कर लिया आपने ये लेके जाना है काउंटर पे कि भाई जान मेरा ज़रा ऑर्डर ले लें प्लीज़। कैन आई ऑर्डर हियर? हेलो,
Hello. I want this. Yes. और हमारा बर्गर ऑलमोस्ट रेडी रेडी है. ओए होए 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 ओए होए होए चाचू बड़ी शुकीनी के साथ बना रहे हैं उसको. फुल ऑफ सॉस. ये आ रही है जी सॉस. विच सॉस इज इट? चीज सॉस. ओए होए 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 स्पेशल चीज सॉस ऐड हो रही है ऊपर. ओए यार खूबसूरत खूबसूरत. ओए होए 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 जी. ओए होए 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 हमारे पास आ चुके हैं जी खलीफा बर्गर, जो कि एक ये नीचे है, फिर दरमियान में, फिर उसे ऊपर छोटा है, और एक दो तीन चार फोर पैटी है तकरीबन. अच्छा भाई बॉस मैन खलीफा बर्गर के अंदर जो जो कुछ है इसमें, मैं एक दफ़ा ये मेन्यू मैंने अपने सामने खोला है ताकि आपको मैं बता सकूँ कि इसमें है क्या क्या. अच्छा भाई इसमें सबसे पहले तो है बटर्ड बन, फिर है फैक्ट्री सीक्रेट सॉस, आइसबर्ग लेटस, टोमेटो, एंगस बीफ पैटी, क्रिस्पी पार्मेजान, बीफ पेस्ट्रामी, स्मोक चीज, वैग्यू एंड एंगस बीफ पैटी, फिर उसके बाद बीफ बेकन, बीफ पेस्ट्रामी, कार्मलाइज अनियन, सन ड्राइड टोमेटोज, फैक्ट्री सीक्रेट मेयो, बटर्ड बन, फैक्ट्री सीक्रेट सॉस, आइसबर्ग लेटस, पिकल्स, टोमेटो, 2x एंगस बीफ एंड वैग्यू बीफ पैटी. ओए होए होए सीजन विद सॉल्ट एंड पेपर, बीफ बेकन, चेडर, रेड अनियन, फैक्ट्री सीक्रेट मेयो, मिनी बटर्ड बन, फैक्ट्री सीक्रेट सॉस, आइसबर्ग लेटस, टोमेटोज, 2x वैग्यू एंड एंगस बीफ पैटी, चेडर चीज, बीफ बेकन, कार्मलाइज अनियन, क्रंची फ्राइज, चेडर चीज. ओए होए होए मैं कहता हूँ ये बर्गर नहीं है, ए कोई कोई और ही चीज़ है. और साथ में हमें मिले ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स को पहनने के बाद हमने इसको तोड़ फोड़ देना है. मैं कहता हूँ आज कोई बर्गर की तबाही होने वाली है. ओए होए सबसे पहले तो ये ज़रा चीज़ सॉस के अंदर डूबी हुई फ्राइज. मैं कहता हूँ इसको मैं तोड़ूँ किस तरफ से और फोड़ूँ किस तरफ से, मेरा ख्याल है चाकू को निकाल देना चाहिए. और और ये देखो ये आया महाका बर्गर, मिनी बर्गर, क्योंकि अब तोड़ने हैं तो ज़रा सही तरह तोड़ते हैं. मिनी बर्गर, चीज़ और वैग्यू बीफ, एंगस बीफ, और नीचे आया सेकंड बर्गर. और नीचे आया मेन बर्गर. अब सबसे पहले खाना मैं शुरू करूँगा सबसे नीचे, जो कि ट्रिपल डबल पैटी, और इसके जूसेस आपने चेक करने के, वैग्यू और एंगस की फील. ओए होए 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 साहब साहब चश्मा लगाओ ना. रेडी? यप. 3, 2, 1. ओए यार टेस्ट अकीर मजेदार. साथ में ये चीज को हम ऐसे उठाएंगे, उंगली पे लगाएंगे. ओए होए होए जब मैंने ऑर्डर किया, मैं और महा डिस्कस कर रहे थे कि हो सकता है ये इतना मज़े का ना हो, क्योंकि बहुत मैसी और बहुत ही चीज़ी सा बर्गर है. बट खाने के बाद उसमें वैग्यू की एक फुल ऑन वो फील है, वैग्यू की जो फैट मीट रेशो होती है, और साथ में एंगस बीफ परफेक्ट. बटर देखो मेरे हाथ में किस तरह आ रहा है. चेक करो. ओए ओए अखीर यार मज़ेदार. ये जो सीन है ना, जो ड्रॉप्स गिर रहे हैं बटर के, फैट के, और साथ में चीज. और मैं अब आपको आप लोगों को खाकर दिखाऊंगी अपना मिनी बर्गर. बर्गर मिनी बर्गर सबसे अच्छा था वैसे, क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा चीज सॉस है. अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है इतना परफेक्ट टेस्ट है इसका, सॉल्टेड मीटी एलिपिनो, उसके अलावा सन ड्राइड टोमेटोज, और पता नहीं क्या क्या चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डबल पैटी है इसमें बीफ इतना ज़्यादा है कि इसमें सॉस थोड़ी सी और होनी चाहिए थी. और ये पूरा जो मैंने ऑर्डर किया ये 1 kg है पूरा. अच्छा अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है, मतलब ये 1 डिस्काउंट चल रहा है 25% ऑफ, तो 140 आई थिंक इतने का था. हाँ तकरीबन 140 दिरहम्स के अंदर ये आपको जॉइंट बर्गर मिल रहा है, जो आप तीन लोग खा सकते हैं. यार यहाँ पे चेक करो कैरमलाइज्ड अनियंस किस तरह से. वो वाला ट्राई करें.
सेम है। कैरमलाइज्ड अनियन सिर्फ एक बर्गर के अंदर फील लाते हैं ना। तीनों बर्गर्स हमारे ट्राई हो चुके हैं और ख़वातीन हज़रात अब फाइनल रिजल्ट्स का टाइम है कि विनर हम किसको बनाने वाले हैं। विनर है जो हमने सबसे पहले ट्राई किया था दुबई मॉल में, वो हैंड्स डाउन दी बेस्ट बीफ बर्गर। एक हैंडसम एक डिसेंट बीफ बर्गर आपने अगर ट्राई करना है एक्चुअल ऑथेंटिक तो वो है। दूसरे नंबर पे आता है ये वाला, मतलब ये मुझे नहीं लग रहा था कि इसका इतना अच्छा टेस्ट होगा, एक एक्चुअल फील देगा आपको वैग्यू एंगस सारा, बट ये दूसरे नंबर पे हमारी लिस्ट में आता है प्राइस वाइज भी। मैं क्योंकि प्राइस वाइज क्वालिटी वाइज टेस्ट वाइज सारा देखते हुए ये विनर अनाउंस किया मैंने पहला दुबई मॉल वाला, दूसरे नंबर पे ये, क्योंकि ये वो उसके बाद दूसरे नंबर पे ये प्राइस वाइज टेस्ट वाइज क्वालिटी वाइज एक्सपीरियंस वाइज एक्सपीरियंस यहाँ का क्वान्टिटी वाइज एक्सपीरियंस इसका बहुत लिटल है। आप आते हो आपको एक फंकी वाइब आती है, एक स्पेस वाइब आती है। और तीसरे नंबर पे, मतलब तीसरा नंबर का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, जो मैंने अटलांटिस में ट्राई किया वो मेरा एक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बर्गर्स हैं दुनिया में, बट इस लिस्ट में वो तीसरे नंबर पे जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो एक हल्का सा एरोमा है स्ट्रॉन्ग सा वो शायद सबको पसंद ना आए और वो एक्सपेंसिव है, तो वो तीसरे नंबर पे जाएगा। ओके जी, तो आपने भी बताने कि आप लोगों को सबसे अच्छा कौन सा लगा था, बट अगर आप दुबई आ रहे हो इन तीनों में से कोई भी बर्गर आप ट्राई करोगे आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। खैर इस वीडियो में पे खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें भाई को दुआ में याद रखें, इंस्टाग्राम पे फॉलो मास्टर, अल्लाह।